न्यूज फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं खेल समाचार। आज हम देश के वरिष्ठ द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान राज सिंह के साथ चर्चा करते हुए जानेंगे कि टोक्यो में शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियां कैसी हैं और रेसलिंग के अलावा किन किन क्षेत्रों में पदकों की संभावनाएं अधिक हैं। कि एक पेंडेमिक दौर में किस तरह रहेगा हमारे लिए ये टोक्यो का दौर। जो पहलवानों की तैयारी वो ठीक है, एक्सपोजर ठीक मिला है और हमारे जो चीफ कोचिज जगमिंदर सिंह है फ्री स्टाइल में और वीमेन में है कुलदीप मलिक है, वो ठीक काम कर रहे हैं। उनके साथ असिस्टेंट कोचिज हैं, वो भी ठीक काम कर रहे हैं। फेडरेशन का तालमेल ठीक है और मैं चाहता हूँ जो पहलवान हैं वो सही तैयारी पे है। जैसे आप बजरंग पुनिया की बात कर लें, रवि की बात कर लें या दूसरे जो पहलवान अपना इसमें है फ्री स्टाइल में या वीमेन रेसलिंग में है, विनेश फोगाट है या दूसरी लड़कियां हैं, तो तैयारी मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन ज़्यादातर तो ड्रॉज पे बहुत डिपेंड करता है। इस बार साक्षी मलिक का पार्टिसिपेट ना करना क्या कुछ संकेत? देखो हर एक दौर चलता है। देखिए साक्षी मलिक ही एक ऐसी रेसलर थी जो मेडल लेके आई, मेडल होप थी, उनके मेडल नहीं आए, तो ये एक रेसलिंग का वो है। अच्छा दूसरा ये है कि उसको हरा के जो गई है वो भी तो अच्छी तैयारी की है लड़की है, तो मैं समझता हूँ कि उस वजन में मेरे हिसाब से मेडल आना चाहिए। विनेश फोगाट को तो पक्का ही है और दूसरा यहाँ पे भी हमारे जो रेसलर फ्री स्टाइल के हैं चाहे बजरंग पुनिया है चाहे 57 वाला है या दूसरा है, तो उसमें तैयारी सबकी ठीक है। ये ज़्यादा डिपेंड करता है ड्रॉज पे, अब वो कौन सा मेडल आएगा। कई बार क्या होता है कि जो फाइनलिस्ट होते हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, एक को तो हारना है एक को जीतना है, तो एक तो फाइनल के लिए चला जाएगा और एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट करेगा, ये कई चीज़ें देखनी पड़ती है। सर पेंडेमिक दौर रहा है, इसमें काफ़ी कुछ तैयारियों में होच-पोच रहा है, ये पहला एक ऐसा वातावरण होगा कि जिसमें ओलंपिक आगे खिसके हैं काफ़ी सालों के बाद और एक नया जो एक सिनेरियो आया है, तो अपना जो उम्मीदें हैं आपको किस इसमें चीज़ में ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है? ये बगैर दर्शकों के आपका मैच होगा, कोई दर्शक नहीं होगा, ऑफिशियल की भी कट ऑफ होगा, कोचिज भी कम जाएंगे, ऑफिशियल भी कम जाएंगे, तो ये सब चीज़ों का देखते हुए और हमारा जो तैयारी है उस हिसाब से हमारे को जो कंपटीशन होगा उसमें मेनली है जापान, रशिया, अमेरिका और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और ईरान और अजरबैजान, यूक्रेन, तो ये जो कंट्रीज हैं इनमें ही फाइनल होते हैं तकरीबन। कुछ कंट्री के आ जाते हैं लेकिन वो बाई वाली बातें हैं, लेकिन जो बेस्ट कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो एशिया प्लस अमेरिका। अच्छा मैं जैसे वीमेंस में है उसमें कनाडा भी ठीक है कई वेटों में। सर रेसलिंग के अलावा और किस में आपको ज़्यादा मेडल की उम्मीद लग रही है? नहीं जैसे शूटिंग है, आर्चरी है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, तो ये हॉकी की भी अच्छी तैयारियां हैं, काफ़ी दिन से हॉकी का मेडल भी आपका नहीं आया है, तब तो सोचते हैं हॉकी की भी तैयारी ठीक है क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी का प्रेसिडेंट भी हमारा है, इंडियन ओलंपिक का प्रेसिडेंट भी वही है, तो कुछ तो फर्क पड़ता ही है, तो कम से कम इतना तो होगा कि जस्टिस तो होगा ना इनके साथ, अनजस्टिस तो नहीं होगा। मॉरल सपोर्ट भी मिलेगी? मॉरल सपोर्ट मिलती है, यही बात होती है कि हमारा प्रेसिडेंट है कोई आदमी हमारे साथ बेइंसाफी नहीं करेगा। अनुराग ठाकुर जी आ गए हैं नए खेल मंत्री, इसका क्या कुछ माहौल पर फर्क पड़ेगा? देखो खेलों के लिए अनुराग ठाकुर को नए तो है नहीं, BCCI के प्रेसिडेंट रहे हैं और वो खेल से जुड़े हुए शुरू से ही, उन्होंने धर्मशाला में अपने वहाँ बहुत अच्छा स्टेडियम अपने बलबूते पर बनाया है उन्होंने, जो एक यूनिक स्टेडियम है, तो ये कई चीज़ें हैं वो ऐसा आदमी है, ऐसा एक ऑफिशियल है, वो जो कहता है वो करता है,
लेकिन उनको थोड़ा टाइम हुआ है और हम तो बड़े खुश हुए हैं कि भाई एक जो खेल का जो एक आदमी है वो खेल में आया है, तो कम से कम खेल वालों की सुनी जाएगी और उनके प्रति कोई अनजस्टिस नहीं होगा, जस्टिस होगा। और खेल भावना के प्रति सोचते हुए हम तो ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो है ना मॉरल सपोर्ट मिल रहेगी अनुराग ठाकुर की वजह से। तो अब थोड़ा टाइम हुआ है, हो सकता था पहले अगर 6 महीने पहले और आ जाते तो हमें और फायदा होता। तो मैं सोचता हूँ अनुराग ठाकुर आने से खेल की जो प्रतिभाएं हैं वो निखर कर आएंगी। और क्या कुछ संदेश रहेगा आपका अपने जो दल जाएगा टोक्यो के लिए? मैं तो जो भी ओलंपिक में जाता है, देखिए जो देश का रिप्रेजेंटेटिव है, मैं सबके लिए अपना शुभ संदेश देता हूँ और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आए। और हम लोग जब यहाँ टीवी पर देखेंगे तो हमें हमारा जो तिरंगा झंडा ऊपर लहराना चाहिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल की उम्मीद करते हैं अपने दल से।